नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय। तो आइए शुरुआत करें आपके अपने शो जिसका नाम है हरियाणा की आवाज। विधानसभा चुनाव में सियासत का रंग घुलता जा रहा है, कोई पैराशूट से तो कोई शतरंज की चाल कर टिकटों के मैदान में कूदने में लगा हुआ है। एक टिकट के पीछे हजारों भीड़ है, कहीं जी हाँ कहीं जिताऊ तो कहीं आपराधिक छवि वाले नेताओं का भी अंबार लगा है। सही उम्मीदवार उतारना आलाकमान के लिए भी कड़ी मशक्कत से कम नहीं है, और ऐसे में आलाकमान को किस तरह के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहिए, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। जी हाँ, तो दागी नेताओं को लेकर लगातार जो बहस पूरे भारत में चल पड़ी है, उसको आखिर हरियाणा की जनता किस तरीके से देखती है, क्या किस तरह के उम्मीदवारों को यहाँ पर टिकटें देनी चाहिए राजनीतिक दलों को, इस सवाल के जवाब को, इस पर क्या कुछ आप राय रखते हैं, टेलीफोन कर आप हमें बता सकते हैं। नंबर्स लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। नंबर्स आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस सवाल पर, इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सरगर्मियां तेज हैं राजनीति। राजनीतिक दलों की ये राय रहती है, ये सोच रहती है कि ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो कि उनकी सीट को निकाल सके, लेकिन जनता को कैसे उम्मीदवार चाहिए ये सोच किसी की नहीं होती। लेकिन आपकी क्या सोच है, आप क्या राय रखते हैं और आपको कैसे चाहिए उम्मीदवार, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, हर तरीके से राजनीति में हर पैतरे आजमाए जाते हैं और उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है। सवाल ये है कि आखिर जनता क्या इस मिजाज को पहचानने लगी है, जनता आखिर क्या कुछ राय रखती है। रेवाड़ी से विजेंद्र हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे राय ले लेते हैं। विजेंद्र जी नमस्कार। हेलो विजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है विजेंद्र से। बहरहाल आपको बता दें कि सवाल आज का हमारा यही है कि कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए। जी हाँ, कैसा उम्मीदवार आप, माफ कीजिए विजेंद्र, शायद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बताएं सर क्या कुछ राय रखते हैं आप। सर मैं विजेंद्र रेवाड़ी से बोल रहा था। सर मेरी राय ये है कि एक ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी पर कोई केस या कोई वो है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। ये कोई अगर अच्छी छवि का नेता हो और वो काम करने लायक योग्य हो तो उसको टिकट दे दी जानी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आम इंसान पे भी दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, आम इंसान पे भी छोटे मोटे कोई केस या कोई ऐसा होता है। ये तो पब्लिक ही लगा देती है कई बार MLA या MP पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ उसके ऊपर कोई बड़ा क्रिमिनल या कोई भ्रष्टाचार का कोई हो तो वो अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी इसके लिए के जो है, जो आपने ये क्वेश्चन किया है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया विजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महावीर जी के एलनाबाद से। महावीर जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। जी महावीर जी बताइए क्या। ये जब पार्टी की भी नहीं है तो वर्करों के कैसे हो जाएंगे, आम जनता तो काफी परेशान है ना इन बातों से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महावीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र का रुख करेंगे, राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर क्या कुछ राय है आपकी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें टिकट दें, और ऐसा नेता होना चाहिए जो धरती से जुड़ा हो नेता और लोगों के हित के लिए काम करे, और
जो पार्टियां छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं उनमें से किसी को भी टिकट दें, अपनी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें टिकट दें। चलिए शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने जुड़ गए हैं। गोपाल है हमारे साथ। गोपाल स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी गोपाल जी बताइए क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले पर। हेलो जी बताइए। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। गोपाल जी बताइए क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले पर। तो अच्छी छवि हो और जिसका सही चलता हो। चलिए शुक्रिया गोपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और आज हमने सवाल उठाया है कि कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए। विनोद हमारे साथ जुड़ गए बहादुरगढ़ से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं सर क्या कुछ राय है आज के सवाल पर आपकी। उम्मीदवार चुना जाना चाहिए जी वो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए और जनता के हित में रहना। उम्मीदवार यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका उन्होंने कहा कि स्थानीय उम्मीदवार जो है उनको तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलेज इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी है गुड़गांव से। अशोक जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी मैडम जी। अशोक जी बताइए क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले पर। हाँ मैडम ऐसा है ये उम्मीदवार जो भी चुना जाए वो उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्या है उनको अच्छे तरीके से ध्यान से सुनकर उसको हल करे। ये अपने मैनिफेस्टो में सब कुछ लिख देते हैं जब काम करने का वक्त आता है ये अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। इस चीज को मीडिया को उजागर करना चाहिए कौन कौन से ऐसा नेता है जो मैनिफेस्टो में तो बड़े बड़े वादे करते हैं जब काम का टाइम आता है ये अपना मुंह और जवाब देते हैं। अशोक जी हाँ जी मैम जी बताइए क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले पर। ये कुछ नहीं है मैम ये सब बेट डोंगन का नेताओं का ये सब कमाऊ बेटों को देना चाहते हैं टिकट और किसी को देते हैं। रमेश आपको क्या लगता है कौन से उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए क्या कुछ खासियत होनी चाहिए। जो साफ छवि का हो उसको देना चाहिए टिकट तो ये तो सभी इनको देते हैं ना जो जी। चलिए बहुत शुक्रिया रमेश आपका। तो साफ छवि के उम्मीदवारों को टिकट पार्टी को देना चाहिए और एक कहीं ना कहीं निराशा भी लोगों के अंदर पनप रही है क्योंकि उनको लगता है कि टिकटों के बंटवारे के लिए सभी हथकंडे राजनीतिक पार्टियां अपनाती है और कहीं ना कहीं उससे जो है निराशा का भाव पैदा हुआ। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी हैं रेवाड़ी से। रविंद्र जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। रखते हैं इस पूरे मामले पर। हेलो जी रविंद्र जी सुन पा रहे हैं आपको बताइए। आजा ना जी चलिए संपर्क उनसे हमारा टूट गया लेकिन सभी दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमारे साथ जुड़े अपनी टीवी की वॉल्यूम आप कम कर लें। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार। अमित जी बताएं। हाँ जी अमित जी आवाज आ रही है आपको। हाँ जी आ रही है। बताएं अमित क्या कुछ राय रखते हैं आज के मसले पर। सर टिकट उन बंदे को देना चाहिए जिसने पार्टी की सेवा की हो। जी चलिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो पार्टी की सेवा करने वालों को टिकट देनी चाहिए ऐसा एक कॉलर का कहना है लेकिन Thank you.
तो बिल्कुल ठीक है, है जी, और बीजेपी तो इलेक्शन के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नरेंद्र क्या लगता है किस उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए, क्या खासियत उम्मीदवार के अंदर आप देखते हैं? कम से कम पार्टी में पुराना सदस्य होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। बलदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबाला से। बलदेव जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं बलदेव क्या कुछ राय रखते हैं आप? देखिए साफ सुथरी और सभी वालों को टिकट मिलना चाहिए जो पब्लिक के बीच में रहे। जी हाँ जी, जो पब्लिक में रहने वाले हैं, जो पब्लिक की समस्या को जानते हैं जी, उनको टिकट मिलना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया बलदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महावीर सिंह जी है जींद से। महावीर जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। जी महावीर जी बताइए क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले पर? मामला ऐसा है जैसे ये माल खा जाते
वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के पर सत्ता में आने के बाद उन घोषणाओं को जनता जो है दोबारा से जनता तक वो नहीं पहुंच पाती। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर क्या कुछ राय रखते हैं? सर टिकट तो नीलोखेड़ी, जो मैं नीलोखेड़ी से बोल रहा हूँ विधानसभा से, सर अगर नीलोखेड़ी से ही हमारे मान ले कोई उम्मीदवार होता है तो हम कम से कम उससे जाके मिल तो लेते हैं जी, लेकिन अगर अदरवाइज कहीं बाहर से हम आता है कोई तो उसमें जाने के लिए हमें काफी दिक्कत होती है। अब करनाल से जैसे MP बने वो सर दिल्ली बैठे रहते हैं जी। तो आप कह रहे हैं कि स्थानीय नेता होना, स्थानीय व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए? चलिए लगता संपर्क मुझसे टूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं यही राय जिसका जिक्र नहीं आप कर रहे थे कि एक राय जो कंसेंसस बनता नजर आ रहा है, एक राय बनती नजर आ रही है। कुछ ऑडियो में तकनीकी खामी की वजह से आवाज जो है ठीक तरीके से मुकेश जी हम तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो भी दर्शक अभी अभी हमारे साथ टीवी स्क्रीन के माध्यम से जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आज का हमारा सवाल दरअसल टिकटों को लेकर है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को किस तरह के उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए, किस तरह के नेता को टिकट देनी चाहिए। हिसार का रुख करेंगे, रतनलाल हमारे साथ जुड़ गए। रतनलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की राजनीति में परिवारवाद और वाद का बड़ा रोल रहा है। हरियाणा की राजनीति में वाद का और परिवारवाद का बहुत रोल रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की सरकार बने यहाँ कि जो सभी वर्गों को एक
करोड़पति तो आता है, पैसे से पैसा कमाता है जी, पावर का दुरुपयोग करके। हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।